हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजीब और एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल टेरफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एज वेल एज लॉन्ग एज मच एज और एज फॉर एज का यूज। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की सिर्फ इस एक ही वीडियो में मैं आपको इन चारों ही के यूजेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एज वेल एज लॉन्ग एज मच एज और एज फॉर एज का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले जानते हैं एज वेल एज के बारे में कि एज वेल एज का हिंदी मतलब क्या होता है। तो गाइस, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। जी दोस्तों, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। अब जानते हैं कि किस तरीके से इसका यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में किया जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जिससे कि आप इजीली तरीके से एज वेल एज का यूज करना सीख जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, मैं एक अध्यापक के साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी हूं। मैं एक अध्यापक के साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी हूं, यानी कि मेरे अंदर दो क्वालिटीज हैं, यानी मैं एक अध्यापक भी हूं और एक यूट्यूबर भी हूं। अब इसको गाइस इंग्लिश में बताया जाएगा, आई एम अ टीचर एज वेल एज अ यूट्यूबर। आई एम अ टीचर एज वेल एज अ यूट्यूबर। आइए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अमीर है साथ ही साथ दयालु भी है। वह अमीर है साथ ही साथ दयालु भी है। He is rich as well as kind. He is rich as well as kind. वह सुंदर है साथ ही साथ बुद्धिमान भी है। वह सुंदर है साथ ही साथ बुद्धिमान भी है। She is beautiful as well as intelligent. She is beautiful as well as intelligent. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वह साथ ही साथ उसकी पत्नी भी निर्दोष है, यानी कि दोनों ही निर्दोष हैं, वह भी निर्दोष है और उसकी पत्नी भी निर्दोष है। तो इसको इंग्लिश में बताया जाएगा, ही एज वेल एज हिज वाइफ इज इनोसेंट। ही एज वेल एज हिज वाइफ इज इनोसेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम एज वेल एज के बारे में जानेंगे। मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी मुंबई जा रहे हैं। मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी मुंबई जा रहे हैं। अब इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन होगा देखते हैं। I as well as my friends am going to Mumbai. I as well as my friends am going to Mumbai. अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स के बाद एम देखने को मिल रहा होगा, और अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि तो फ्रेंड्स के साथ आर आना चाहिए, लेकिन ये एम क्यों आया? कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करिए क्या, कुछ गलती है क्या? कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं की है। रूल को जान लीजिए, इसके पीछे का रीजन जान लीजिए कि क्या रीजन है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब सब्जेक्ट यहाँ पे जो होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। स्टार्टिंग सब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग जिस सब्जेक्ट से होती है, उस स्टार्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज बाद में किया जाता है। तो आई के साथ एम का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर नहीं लगाना है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। इस तरह के रूल्स आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आई एज वेल एज माय फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू मुंबई, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब हमने बहुत अच्छे तरीके से एज वेल एज का यूज कर लिया है। अब जानते हैं बच्चों एज लॉन्ग एज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं एज लॉन्ग एज का हिंदी मतलब। गाइस, एज लॉन्ग एज का हिंदी मतलब होता है जब तक। क्या मतलब होता है? जब तक। अब इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं खुश हूं। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं खुश हूं। एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी आई एम हैप्पी। एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी आई एम हैप्पी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जब तक वे यहां हैं तब तक मैं उसकी मदद करूंगा। जब तक वे यहां हैं तब तक मैं उसकी मदद करूंगा। एज लॉन्ग एज ही इज हियर आई विल हेल्प हिम। एज लॉन्ग एज ही इज हियर आई विल हेल्प हिम। एक और एग्जांपल है, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे बनेगा? एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू वरी। You don't need to worry. Guys, इसको you need not worry भी कहा जाता है। You need not worry भी इसको हम बोल सकते हैं। As long as I'm here, you don't need to worry. Okay? तो ये हमने as long as का यूज समझ लिया है। आइए अब जानते हैं as much as के बारे में। तो guys, as much as का मतलब होता है जितना हो सके, जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना। ये इसका मतलब होता है किसका? As much as का। इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे कि देखो, तुम जितना चाहो उतना सीख सकते हो। तुम जितना चाहो उतना सीख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। सो यू कैन लर्न एज मच एज यू वांट।
यू कैन लर्न एज मच एज यू वॉन्ट. वे जितना कमाता है उतना खर्च करता है. ही स्पेंड्स एज मच एज ही अर्न्स. ही स्पेंड्स एज मच एज ही अर्न्स. जितना चाहो उतना ले लो. टेक एज मच एज यू लाइक. एज मच एज टेक एज मच एज यू लाइक. एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका. जितनी मैं आपकी मदद कर सकता हूं उतनी मैं आपकी मदद करूंगा. जितनी मैं आपकी मदद कर सकता हूं उतनी मैं आपकी मदद करूंगा. आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन. आई हेल्प यू एज मच एज आई कैन. अब जानते हैं एज फॉर एज के बारे में. एज फॉर एज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है स्पोकन इंग्लिश का. एज फॉर एज दोस्तों, एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक. क्या मतलब होता है? जहां तक. तो एज फॉर एज का मतलब जहां तक होता है. अब जानते हैं इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे. जहां तक मैं जानता हूं वह एक अच्छा लड़का है. जहां तक मैं जानता हूं वह एक अच्छा लड़का है. ठीक है, कैसे बनेगा? एज फॉर एज आई नो ही इज अ गुड बॉय. एज फॉर एज आई नो, देखो मैं जानता हूं इसलिए हम यहां पे आई नो का यूज करेंगे क्योंकि नो मतलब होता है जानना. एज फॉर एज आई नो ही इज अ गुड बॉय. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जहां तक मैं जानता हूं उसे इंग्लिश बोलना आती है. जहां तक मैं जानता हूं उसे इंग्लिश बोलना आती है. एज फॉर एज आई नो शी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश. एज फॉर एज आई नो शी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश. तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश मतलब होता है उसे इंग्लिश बोलना आती है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जहां तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं है. जहां तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं. अब देखो इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस लेकर आए हैं. अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया जाएगा. अब देखो जहां तक मेरा सवाल है, अभी ऊपर की दो एग्जाम्पल्स मैंने जो दिए थे जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा. जहां तक मेरा सवाल है अब इसको कैसे बनाया जाएगा आइए जानते हैं. देखो एज फॉर एज आई एम कंसर्न. अब इसको बनाया जाएगा एज फॉर एज आई एम कंसर्न. सी ओ एन सी ई आर एन ई डी आई एम कंसर्न इसको कहा जाता है. तो जहां तक मेरा सवाल है या मेरी बात है. एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव नो ऑब्जेक्शन. एज फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव नो ऑब्जेक्शन. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जहां तक मेरे दोस्तों का सवाल है वह तैयार है. जहां तक मेरे दोस्तों का सवाल है वह तैयार है. एज फॉर एज माई फ्रेंड्स आर कंसर्न दे आर रेडी. एज फॉर एज माई फ्रेंड्स आर कंसर्न दे आर रेडी. तो इस तरीके से एज फॉर एज का यूज करते हैं. जैसे कि जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न. जहां तक मेरे क्वालिफिकेशन का सवाल है एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न. जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न आई हैव फोर ब्रदर्स. तो इस तरीके से आप एज फॉर एज का यूज कर सकते हैं इंग्लिश में. जहां तक मेरा सवाल है या फिर जहां तक मैं जानता हूं. तो जहां तक मैं जानता हूं तो एज फॉर एज आई नो तुम जानते हो. एज फॉर एज यू नो जहां तक वे जानती है. एज फॉर एज शी नोज. और जहां तक आपका सवाल है एज फॉर एज यू आर कंसर्न. जहां तक उसका सवाल है एज फॉर एज ही इज कंसर्न. जहां तक पैसों का सवाल है एज फॉर एज मनी इज कंसर्न. तो इस तरीके से आप एज फॉर एज का यूज करेंगे. ओके दोस्तों, तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने सीखा एज वेल एज लॉन्ग एज मच एज और एज फॉर एज का यूज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इन चारों ही का यूज सीख गए हैं तो इन चारों से आप एक एक एग्जांपल जरूर बताइए. यानी कि एज वेल एज का यूज करके एक एग्जांपल कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए. एज वेल एज लॉन्ग एज मच एज और एज फॉर एज का यूज करके एक एक एग्जाम्पल जल्दी से जाइए कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताइएगा. इंग्लिश टू इंग्लिश आप बताइएगा. ओके दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए रियली काफी ज्यादा हेल्पफुल थी. तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा. और यदि आप चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने हमारे चैनल पर विजिट किए, जो भी रीजन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा सो दैट जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.